शक्ति और श्रद्धा, ये दो कारण बनते हैं। धर्म भी वही करेगा, पुण्य वही करेगा, सत्कर्म वही करेगा जिसके अंदर श्रद्धा है, और जो सामर्थ्य वाला जिगरे वाला है वो करेगा। बाकी तो छोटे दिल वाले लोग होते हैं, उनका दिल खुलता ही नहीं, वो लेना जानते हैं देना नहीं जानते, वो सत्कर्म नहीं कर पाते, उनका समय निकलेगा ही नहीं सत्कर्म के लिए, वो बहाना बनाते रहेंगे, आज तो टाइम नहीं है, आज तो ग्राहक आने वाला है, आज तो बड़ी डील पक्की होने वाली है, फिर कभी धर्म कर्म कर लेंगे। ये कथाएं, सत्संग, ये यज्ञ, ये याग, ये पुण्य, ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ग्राहक रोज रोज थोड़ी आता है, ग्राहक तो कभी कभी आता है, आगे है तो ग्राहक से फायदा ले लें। और जो व्यक्ति धर्म वाला होगा वो कहेगा कि पुण्य करने का, भक्ति करने का, धर्म करने का, सत्कर्म करने का मौका कभी कभी आता है, जगाने वाला कभी कभी आता है, उद्धार करने वाला कभी कभी आता है, तो 10 काम छोड़ करके हम इस तरफ लगेंगे तो व्यक्ति सब चीज़ों को छोड़ देगा और कहेगा माया के पीछे नहीं भागना, जिसके पीछे माया भागती है और जिसके चरण रोज दबाती है उस नारायण के पीछे जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है, तो वो फिर श्रद्धा वाला बन जाता है। श्रद्धा वाला फिर जिंदगी से कुछ देना जानता है। कुछ भी नहीं है तो कहते हैं फूल, फल, पत्ता, जल, कुछ भी तो हो तुम्हारे हाथ में, वही उठाकर भगवान को अर्पित करने वाले बन जाओ तो भी तुम्हारा उद्धार हो, मतलब दाता बनने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। जिसका दिया खा रहे हैं उसके लिए क्या अर्पित करते हो, कुछ तो देने वाले बनो। तो कहे गए हैं कि सामर्थ्य पैदा करो और मांगो भगवान से, जब तक दुनिया में हूँ दानवीर बनकर जीऊँगा, कर्मवीर बनकर जीऊँगा, एक तो कर्म से जी नहीं चुराऊँगा और देने में कभी पीछे नहीं हटूँगा, देते रहेंगे, भगवान हमें देने के लायक बनाए रखेंगे, भावना रखें, थोड़े में से थोड़ा भी देना है लेकिन देना जरूर है, ये भावना। और फिर उन्होंने कहा षड अधिष्ठानम, छह इसके अधिष्ठान हैं, घर हैं, धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष, भय, छह चीज़ें हैं जहाँ पर ये चीज टिकती है, धर्म टिकता है, धन दान की भावना जिसके कारण टिकती है। कहते हैं धर्म वाला व्यक्ति होगा तो सत्कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, धर्म अगर जीवन में है तो कुछ न कुछ करता रहेगा, अच्छे काम करता रहेगा, और अगर धर्म जीवन में नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगेंगी। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, बुखार आया तो भूख गई। और जब व्यक्ति के जीवन में धर्म आता है तब अपने आप वो भूख लगती है कि सत्कर्म करने का मौका मिल जाए, जिंदगी से कुछ देने का मौका मिल जाए। इस धरती में वही लोग पूजनीय बने हुए हैं जो उपयोगी हैं, तो निवेदन ये आखिरी तक भी उपयोगी बनना, घर के लिए आप उपयोगी बनो। एक बूढ़ी माँ भी उस घर के लिए इतना कुछ करने वाली बने कि उसके कारण वो घर प्रकाशवान रहे, हाथ पांव चलाते रहो, कुछ न कुछ बनाते रहो, घर को तोड़ने वाले नहीं बनना, जोड़ने वाले बनना। अगर आप बुजुर्ग भी हैं तो अपनी किसी भी बात से अपने घर को टूटने मत दो, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोत्री को, सबको ऐसा कुछ सिखाते समझाते करते रहो और खुद भी भार नहीं बनो, तुम्हारे कारण तुम्हारे घर की शोभा बननी चाहिए, घर को खराब नहीं होने देना चाहिए। जो लोग जिंदगी से कुछ न कुछ देते रहते हैं और करते रहते हैं, कर्मशील बने रहते हैं, कहते हैं वो उपयोगी लोग हैं। ऐसे उपयोगी लोग सहयोगी होते हैं, ऐसे उपयोगी लोग उद्यमी होते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। तो आपको आखिरी तक काम करना है और उपयोगी बनना है, खाली नहीं बैठना, उपयोगी और सहयोगी। लेकिन ये तब होगा जब जिंदगी योगी बनेगी,
योग से जुड़े रहोगे। योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति मतलब परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, धर्म से जुड़ा हुआ, गुरु से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसे पता है आलस्य नहीं करना, अनुशासन में रहना, प्रसन्नता में रहना, धन्यवाद करते हुए जीना है और बर्दाश्त को भी बढ़ा के रहना है। बहुत सारे लोगों की मूर्खताओं को माफ करना होता है। घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसी मूर्खता वाला व्यवहार करेंगे जिससे दिल को चोट लगती है और मन करता है छोड़ो यहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें माफ करो, सबको संभाले रखो। आप हैं तो वो रस्सी बन जाओ कि जो सारे घर को बांधे हुए है, वो धागा बन जाओ जो पूरी माला का को संभाल कर, मन को संभाल कर सजाए हुए है। धर्म वाला व्यक्ति कहते हैं कि दो जिससे धर्म बढ़े, दो इसलिए कि पैसा बढ़े, दो इसलिए कि कामनाएं पूरी हों, दो इसलिए कि शर्म आए कि मैंने लिया तो है इस धरती से, दिया कुछ भी नहीं। वॉरेन बफेट दुनिया के बहुत बड़े समृद्ध व्यक्ति, 1,00,000 करोड़ की संपदा में से 80,000 करोड़ दान कर दिया, 20,000 करोड़ अपने पास रखा, अपने बेटे को नहीं दिया कुछ भी, कह दिया कि तुम्हें बाप से भी ज्यादा बड़ा बनना, पैसा लेकर के अगर बैठे रह गए कुछ नहीं बनोगे। बेटे को अगर धन कमाने की विद्या सिखा दोगे तो सदा के लिए अमीर, और अगर धन देकर अमीर बनाना चाहते हो तो जिनकी लॉटरी लग जाती है ज्यादा देर तक अमीर रहते नहीं है, थोड़े दिन तक वो पैसा रहता है, उसके बाद में फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। और जिसको कमाना आ गया उसको तो कोई देना दे बैंक से लोन लेकर के काम करेगा और आगे से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कमाना आ गया, कमाना सीखना होता है। तो वॉरेन बफेट ये कहता है कि अगर तुम किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए और आराम कर रहे हो और वहां पार्क का आनंद ले रहे हो तो ये बताओ ये पार्क किसने बनाया और ये पेड़ किसने तुम्हारे लिए लगाया, कोई तो लगा के गया। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि इस पेड़ के नीचे मुझे ही बैठना और किसी को फायदा ना मिले, कि जैसे वो तुम्हारे लिए लगा के चला गया अब तुम्हारा फर्ज है तुम भी किसी के लिए कोई तो पेड़ लगा करके जाओ, कुछ तो हरियाली करके जाओ, कुछ तो खुशहाली दे करके जाओ। अगर तुम दुनिया में कुछ ऐसा ही करके जाते हो तो फिर तुम्हें जीना आ गया, नहीं तो मुर्दा हो, दुनिया में आए हो, ले करके जा रहे हो, दे के नहीं जा रहे हो, ये जीना आना चाहिए। तो पेड़ नहीं लगा सकते, कुछ तो ऐसा करो ना, कोई भी ऐसी अच्छी चीज जीवन से जरूर करिए कि आपने लिया है तो आगे देना चाहिए। तो कहते हैं अगर आप अपना कमाते हो तो धर्म करोगे वो कमाई बढ़ेगी। एक बड़ी कमाल की बात लिखी है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े धनपतियों के बारे में पढ़ा, उन्होंने और पश्चिम के बड़े अच्छे लेखक लोग, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात लिखी जो भारत में कही जाती थी, वो मैंने बाहर भी पढ़ी। उन्होंने लिखा कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा धन बढ़े और तुम्हारी खुशहाली बढ़े तो एक काम करना, देना, देने की आदत डालना, लेकिन कैसे, सही जगह सही कार्य के लिए जब दोगे तो चेहरा बिगाड़ के ना देना, इतने खुश हो जाओ पहले तो अंदर ही अंदर, परमात्मा तूने मुझे इस लायक बनाया, मेरे पास है, मेरे पास समृद्धि है, मेरे पास वो कला है जिस कला के कारण मेरे पास धन आता है, मेरे अंदर वो चुंबक है जिसके कारण धन मेरे तरफ खींच के आता है, मेरे अंदर तेरी कृपा की शक्ति है जिससे चारों तरफ से लक्ष्मी मेरी तरफ आती है, खुशहाली आती है, उस खुशहाली में से, उस लक्ष्मी से, उस धन में से कुछ भाग मैं दूसरों को खुशियां देने के लिए अर्पित कर रहा हूं, अच्छे काम में दे रहा हूं, और गदगद होकर के दो। कहते हैं कि वो बीज बोगे अनेक गुना बढ़कर के तुम्हारे घर में समृद्धि बनकर के आएगा और तुम्हें आगे लेकर के जाएगा, और देने के बाद बहुत आनंदित रहना, कई दिनों तक आनंदित रहना, और ये नहीं कि फिर मौका मिलेगा फिर दूंगा, दूंगा जरूर क्योंकि मेरे पास है, मेरे पास चारों तरफ से खुशहाली आती है, मैं खुश हूँ, परमात्मा की दया है मुझ पर,
थोड़ा है तो थोड़े में से थोड़ा दे करके भी थोड़े को ज्यादा बढ़ाऊंगा, ऐसे मन में भाव रखो तो कहते हैं समृद्धि आएगी, बढ़ेगी। और है ही नहीं, दूं कैसे, और दे दिया तो यही घट जाएगा, और दिया तो पता नहीं यहाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, यहाँ कोई ताली बजाएगा नहीं बजाएगा, मेरा नाम होगा नहीं होगा, और अगर दिखाना तो बिरादरी को दिखा के देना है, लोगों के ऐसे बीच में देना है जहाँ सब लोग कहें हाँ ये भी कुछ है। कहते हैं कि वो फिर आपको लाभ नहीं देता, उससे फिर आप बढ़ते नहीं। कहते हैं इसे अगर बोना सीख जाए आदमी तो ये आपका दिया हुआ आपके लिए हजार गुना बढ़ करके आया करता है और आपको ऊंचा उठाया करता है। कहते हैं ये धर्म का रूप है। तो उनको कहा कि धर्म बढ़ाएगा धन को, कामनाओं की पूर्ति कराएगा, और लज्जा को के कारण भी देना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए, इतना कुछ सबसे लिया है और इस समाज के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया, कि लज्जा भी एक अधिष्ठान है। और कहते हैं हर्षित होकर देना, डर से भी देना, ह्रियादेयम भ्रियादेयम संविदादेयम ऐसा लिखा है। तो ये छह अधिष्ठान माने गए जिससे तुम्हारे जीवन में धर्म बढ़ता है, दान बढ़ता है। तो आगे फिर उन्होंने कहा कि छह इसके अंग हैं, घड़ी मैंने देख ली, छह के बजाय हो गए 6:30, तो रुकना तो चाहिए ना। तो कहा गया कि ये धर्म की कथा है जो आपके जीवन का कल्याण करती है, लेकिन ये याद रखना 7 पीढ़ियों तक समृद्धि रहेगी उसके घर में, जहाँ गुरु कृपा है, जहाँ दानी स्वभाव है, जहाँ सेवा वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, वहाँ कृपा जरूर होगी, निश्चित रूप से कृपा होगी। अब कमाल ये होना चाहिए जीवन में कि आप अपने समय को इतने सुंदर ढंग से प्रबंधन करो कि कितना समय का भाग स्वास्थ्य के लिए देना, कितना भक्ति के लिए देना, कितना घर परिवार के लिए देना, और कितना रोजी रोटी कमाने में देना। और पूरी व्यवस्था कर लीजिए, महीने में इतना समय खुद को विश्राम भी देना है। सारा दिन दुकान पर बैठ कर के अमीर नहीं हो जाओगे, वो लोग भी देखें जो 16 घंटे तक दुकान नहीं छोड़ रहे और फिर भी वहीं के वहीं हैं। वे लोग भी आपने देखे हैं सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बस हाथ मुंह तक जाएगा, बस आज का गुजारा चल गया, कल का पता नहीं होगा नहीं होगा। और वे भी हैं जो 2 घंटे काम करते हैं और हफ्ता 10 दिन कमाते हैं और 20 दिन तक लगातार उनके जीवन के अंदर समृद्धि आ रही, बढ़ते जा रहे हैं, खाली घूम रहे हैं। बुद्धिमत्ता चाहिए, ठीक प्रबंधन चाहिए, समृद्धि भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और आनंद भी मना सकोगे। मेहनत तो चाहिए आपको सही दिशा में, ये सब सीखना आपको, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की खुशी के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे पास खुशी कैसे आए। तो वो सब रास्ता आपको बताना चाहता हूँ, आपसे चाहूँगा कि पूरी श्रद्धा से यहाँ उपस्थित होंगे और इसका आनंद लेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 2 मिनट के लिए हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। गिरिराज धर्म मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धर्म मैं तो तेरी शरण, गिरिराज तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी
श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात कानपुर उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन आवास शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग।